अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो मिश्रण के अवयवों को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? चलो मैं ही बताती हूँ। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। वो कैसे? आइए अब हम आपको मिश्रण से अवयव अलग करने की विधियाँ बताएंगे और इससे आप समझ जाएंगे कि मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते। अच्छा पहले आप ये बताइए, चाय और चाय पत्ती के मिश्रण के अवयवों को किस प्रकार अलग किया जाता है? चाय पत्ती को छानकर मिश्रण से अलग करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह विषमांगी मिश्रण में से अवयवों को भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से चुनकर। छन्नी से छानकर या फिर चुंबक के द्वारा। कभी कभी मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए विशेष तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे? जैसे यदि आप स्याही से रंग वाले घटक को अलग करना चाहें तो आप उसे छानकर, चुनकर या फिर चुंबक की मदद से तो अलग नहीं कर सकते, तो फिर आप उन्हें कैसे अलग करेंगे? चलिए हम समझाते हैं। एक बीकर ले, उसे जल से आधा भर ले। एक वॉच ग्लास ले, अब वॉच ग्लास में स्याही की कुछ बूंदे डालें। अब इस ग्लास को बीकर के मुंह पर रख दें। अब इस बीकर को गर्म करें। यहाँ वॉच ग्लास से कुछ वाष्पीकरण हो रहा है। हाँ, इसे तब तक गर्म करें जब तक कि वॉच ग्लास से भाप उठनी बंद ना हो जाए। अब इसे गर्म करना बंद कर दें। यहाँ स्याही का जल तो वाष्प बनकर उड़ गया और स्याही का रंग वाला घटक वॉच ग्लास में रह गया। इसी विधि को वाष्पीकरण कहते हैं, जहाँ मिश्रण के एक अवयव को वाष्प के रूप में अलग कर दिया जाता है और वांछित अवयव को प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि स्याही भी एक मिश्रण है? हाँ, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। यहाँ हमने विलायक से विलेय को वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया। आपने अपने घर में माँ को दूध से क्रीम निकालते हुए जरूर देखा होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं, एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम यानी फुल क्रीम वाला दूध लें। इसे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में चलाएं। अरे यहाँ तो क्रीम दूध से अलग हो गई। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में यह कैसे संभव होता है? जब अपकेंद्रीय यंत्र को तेजी से घुमाया जाता है तो द्रव्य में उपस्थित भारी कण नीचे की ओर रह जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। कभी कभी द्रव्य में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें छानक पत्र द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे मिश्रणों को
अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में ठोस कणों को बैठाने के लिए अपकेंद्रण मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब तुम बताओ, तेल और जल के मिश्रण में से अवयवों को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? आइए हम आपको अघुलनशील द्रवों को अलग करने का तरीका बताते हैं। एक पृथक्करण कीप ले, तेल और जल के मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालें। इसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें। द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में अलग हो जाएंगे। जैसे कि जल भारी है तो नीचे और तेल हल्का है तो ऊपर। अब एक बीकर को पृथक्करण कीप के नीचे रखें। पृथक्करण कीप की स्टॉप कॉर्क को खोलें। सावधानी से बीकर में जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। अब एक अन्य बीकर में तेल को अलग कर लें। अच्छा, तो दो अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दो घुलनशील द्रव्य को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? आओ हम बताते हैं। जल और एसीटोन का मिश्रण लें। जल में एसीटोन घुलनशील होता है। अब उस मिश्रण को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में डालें। क्लैंप स्टैंड की सहायता से फ्लास्क को ट्राइपॉड पर व्यवस्थित करें। इसमें इस प्रकार कंडेंसर को जोड़ें और थर्मामीटर लगाएं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और थर्मामीटर का अवलोकन करें। आप ये जानते ही हैं कि सभी द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलते हैं। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वो पहले वाष्प में बदलता है। एसीटोन का क्वथनांक जल से कम होता है, इसीलिए यहाँ पहले एसीटोन अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलेगा। ये वाष्प जब कंडेंसर से गुजरेगी, जो ठंडी होकर पुनः द्रव में बदल जाएगी और हम उस द्रव यानी कि एसीटोन को एक बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है और इस प्रकार दो घुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। इस विधि को डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन दोनों द्रवों के क्वथनांक में कम से कम 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए। यदि घुलनशील द्रवों की संख्या 2 से अधिक हो तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम के उत्पादों को अलग करने में या फिर वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने में प्रभाजी आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। वायु को दाब बढ़ाकर और तापमान कम कर संपीड़ित कर ठंडा किया जाता है, जिससे वायु द्रवित हो जाती है और फिर
द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों को अलग किया जाता है। ऑक्सीजन का क्वथनांक घटा 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका वायु में प्रतिशत 20.9 है। ऑर्गन का क्वथनांक घटा 186 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका वायु में प्रतिशत 0.9 है। नाइट्रोजन का क्वथनांक घटा 196 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका वायु में प्रतिशत 78.1 है। अच्छा, अब तुम बताओ, अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण में से अवयवों को किस प्रकार अलग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला पदार्थ है, यानी इसे गर्म करने पर ये सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदलता है। यदि मिश्रण में एक अवयव ऊर्ध्वपातित हो सकता हो तो उसे अलग करने का बड़ा ही आसान तरीका है। चलिए इसे करके देखते हैं। एक चाइना डिश में नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले। चाइना डिश पर इस प्रकार कीप यानी फनल रखें। फनल के मुंह को रुई से बंद कर दें। अब चाइना डिश को धीरे धीरे गर्म करें। गर्म होने पर अमोनियम क्लोराइड ठोस से सीधे वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये वाष्प ठंडे होने पर फिर से ठोस अमोनियम क्लोराइड में बदल जाती है और कीप की अंदर की सतह पर जमा हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जैसे ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों को मिश्रण से इसी प्रकार अलग किया जाता है। अब हम काली स्याही में डाई के रंगों को अलग करेंगे। इसके लिए हम एक छानक पत्र लेते हैं। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचे। उस रेखा के बीच में काली स्याही की एक बूंद रखें। इसे सूखने दें। एक जार में कुछ जल लें। इसमें छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वो जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, यानी छानक कागज का निचला किनारा पानी की ऊपरी सतह के केवल संपर्क में रहे। अब इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है, स्याही में डाई का रंग भी ऊपर की ओर उठता है। छानक पत्र पर कई रंग दिखने लगते हैं। यानी काली स्याही भिन्न रंगों की डाई का मिश्रण है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बताते हैं। अधिकतर डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। स्याही में जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में होती है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर चढ़ता है, डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। डाई का रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होता है, वो तेजी से ऊपर उठता है और जो कम घुलनशील होता है वो धीमी गति से ऊपर चढ़ता है। और इस प्रकार रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि का प्रयोग
एक ही प्रकार के विलायक में उपस्थित विभिन्न विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की प्याली यानी चाइना डिश लें, उसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलें। अब अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए मिश्रण को गर्म करके जल को वाष्पीकृत करें। अब विलयन को छानक पत्र से ढककर कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। अब इस चीनी मिट्टी की प्याली में देखें। अरे यहाँ तो कॉपर सल्फेट के नीले नीले क्रिस्टल है। ये है शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। जब हम समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं तो उसमें कई अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। अशुद्ध फिटकरी के नमूने से शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण विधि में क्या अंतर है? क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से बेहतर है, क्योंकि वाष्पीकरण विधि में हमें द्रव्य को वाष्प बनाकर हटाना होता है। कुछ ठोस गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं या फिर झुलस जाते हैं, जैसे कि चीनी गर्म करने पर झुलस जाती है। इसीलिए क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर है। मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ही मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्रण तो शुद्ध पदार्थ नहीं हुए। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं?